जब बात अंबानीज की आती है तो बात लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में होती है। अब ऐसी ही एक बात है जो इस वक्त काफी लाइमलाइट में है, एक खबर जिसने हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। दरअसल दिग्गज कारोबारी और भारत के सबसे अमीर शख्स मुकेश अंबानी की इकलौती बेटी ईशा अंबानी इस वक्त अपने बंगले को लेकर चर्चा में है। मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से ईशा अंबानी और आनंद पीरामल का अमेरिका के लॉस एंजलिस वाला आलिशान बंगला अब बिक गया है। इसे खरीदने वाले कोई और नहीं बल्कि हॉलीवुड के ए लिस्टेड कपल यानी कि सिंगर जेनिफर लोपेज और बेन एफ्लेक हैं। ईशा और आनंद ने अपने इस बंगले को बेच दिया है। इस बंगले की कीमत अगर आप सुनेंगे तो भाई हैरान रह जाएंगे। वेल, कीमत की बात बाद में करते हैं, इससे पहले बताते हैं इस बंगले की कुछ खासियतें। बात करें इसके स्क्वायर फीट की तो ये बंगला 38,000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। इस बंगले में आपको जिम, स्पा, सैलून और एक इंडोर बैडमिंटन कोर्ट तक मिल जाएगा। इस प्रॉपर्टी में 12 बेडरूम और 24 बाथरूम्स हैं। इस बंगले को देखने वाले देखते ही रह जाते हैं, इस बात में कोई डाउट नहीं है। 2018 में ईशा अंबानी और आनंद पीरामल ने शादी की थी, जिसके बाद इस प्रॉपर्टी को खरीदा था और उसके बाद अब इस बंगले को बेच दिया है जेनिफर लोपेज और बेन एफ्लेक को। बात करें इन्होंने कितने में खरीदा ये बंगला तो आपको बता दें कि 500 करोड़ से भी ज्यादा की कीमत अदा की है जेनिफर लोपेज और बेन एफ्लेक ने इस बंगले को खरीदने के लिए। बात करें जेनिफर लोपेज की तो बेन एफ्लेक के साथ साल 2022 में उन्होंने चौथी शादी की थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जेनिफर लोपेज अरबों रुपयों की संपत्ति की मालकिन है। जेनिफर के पास करीब 3,332 करोड़ रुपए की संपत्ति है। जेनिफर ने अपने करियर की शुरुआत एक डांसर के तौर पर की थी। अमेरिकन डांसर और सिंगर जेनिफर लोपेज के फैंस इंडिया में भी आपको काफी बड़ी संख्या में देखने मिल जाएंगे। ऐसे में बात करें ईशा अंबानी की तो वो भी अपने आप में काफी बड़ी बिजनेस वुमन है, कई सारी कंपनीज की ओनर। और मुकेश अंबानी की इकलौती बेटी ईशा अंबानी अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को लेकर अक्सर चर्चा में रहती हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका इस पर क्या रिएक्शन है कमेंट सेक्शन में बताइए। साथ ही बॉलीवुड से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहे फिल्में भी। We'll be right back.